हम जानना चाहते हैं कि आखिर कर्जा तूने कब लिया है और किस लिए लिया है? बोल महा, बताओ ना माँ, क्या बात? बेटा, ये कर्जा बहुत दिन का है, एक दिन की बात है जब तू दोनों भाई बहन बिल्कुल छोटे छोटे थे। तेरे बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी बेटे, मैं अकेले तनहा कर ही क्या सकती थी। उस वक्त मैं जाकर लंबरदार के यहाँ से कर्ज मिला मुझे, इन्होंने कर्जा दिया, आज वही कर्जा ये लोग मांगने आए हैं। बेटा, इसलिए मैं तुमको ये बात आज तक नहीं बताई कि मैं अपने छोटे मासूम बच्चों को बता दूंगी तो गम के मारे ये खुद ही मर जाएंगे, इसलिए मैं अपने सर का बोझ तुम्हारे सर पे नहीं देना चाहती थी। ठाकुर साहब, मैंने माना कि मेरी माँ आपके यहाँ से कर्जा लेकर आई है और ये कर्जा अब तक मेरी माँ नहीं चुका पहुंचा सकी। हमें केवल एक महीने की मोहलत दो, हम वादा करते हैं कि आपका कर्जा हम ब्याज सहित वापस करेंगे। कहावत में किसी ने कहा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये बता, कौन बोला था रे कि जाओ ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से कह देना कि आज की बाद उसकी हवेली में कोई नई नबेली दुल्हन नहीं जाएगी। हाँ। किसी ने कहा था? हमने कहा था। वाह, और यह बात किसने कहा था कि जाओ ठाकुर से कह देना कि आज की बात कोई किसान खेतों में काम करने नहीं जाएगा? हमने कहा था ठाकुर साहब। ये साले तुकाची तेरी यौका, कहते नहीं है गगरी में दाना तो साला सूद उताना, इसकी कमी नहीं है, कमी तो इस साली बुढ़िया की है। लंबरदार, हमारे बेटे उतने पढ़े लिखे तो है नहीं, हो सकता है कहीं बोलने में चूक हो गई, सुन ले, कोई गलती हो गई। अगर इसको मेरे खेतों में भेजती, सारा दिन जब फावड़ा चलाता ना, तो इसकी औकात नहीं होती मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने की। लेकिन तेरी भी कमी नहीं है, कमी तो आजकल की ये लौंडो के है कि साले नए खून है, थोड़ी थोड़ी बातों में उबाल मार देते हैं। ये साले साल तो साल का साले अट्ठा भट्ठा पर चले गए, 10-20 हजार रुपया कमा लिया, ले लिए साले टच वाला मोबाइल, इधर से टिया बाजी, इधर लौंडिया बाजी, क्या जाने मेरी गरीबी क्या होती है। लंबरदार बाबू साहब, साले मेरे रीतो रिवाज को तोड़ने वाले पैदा हुए, जी में टमाटर किसानों को फाड़ कर दो। हमारा बेटा कोई उस तरह की गलती नहीं करता है जैसा आप बता रहे हैं। सुन ले, मैं समझाती हूँ उसको। ये तेरी बात, तेरी वजह से आज मैं तरस खा रहा हूँ कमीनों के ऊपर, नहीं तो फाड़ के इन्हें सालों को नरेगा ताल बना देता। बुढ़िया, हम जानते हैं कि अमीरी गरीबी क्या होती है। हाँ लंबरदार, ये साले क्या जाने, किसी ने एक महीना की मोहलत मांगा है। हाँ हाँ, हम तुम्हें 6 महीना की मोहलत दूंगा। लंबरदार, इतना बुद्धि नहीं है, अगर हमारा बेटा कमा कि तुम्हारा कर्जा नहीं भरेगा तो हम अपना जो हमारे पास गहना है उसको बेच के दे दूंगी। सही बोल रही है, एक काम करो। हाँ, जो हम कहेंगे हमारे कहने के अनुसार काम करोगी या नहीं? हाँ हाँ, कहे नहीं करूँ। तो यही बात है, तो तुम्हारे पास कोई सोना चांदी की जेवरात हो वो लाकर मेरे हवाले कर दो, जब तुम्हारे पास रुपया हो जाए तो मेरा रुपया दे जाना, अपनी जेवरात ले जाना। लेकिन ठाकुर साहब, आपका रुपया चाहिए ना? हाँ, या कि जेवरात?
नहीं रुपया चाहिए, रुपया नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए भाई। नहीं नहीं जरूरत नहीं मिलेगा आपको, मदद कर रहे हो, रुपया के बदले रुपया मिल जाएगा। वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, रुपया दिखा रहे हैं। ठीक है कोई बात, सुन लो इनकी मदद भी नहीं करना, नहीं मैं खड़ा हूँ, हम देख लेंगे तुम्हें कितने करोड़पति हो। एक मिनट कार, एक मिनट लंबरदार, ये मेरे विनोद भैया का कहता है, कहता है मदद हम करब। कौन कहता? राम राज भैया, राम राज यादव भैया कहता है मदद हम करब। ये तो हाँ ठकुरे हिया ना चले गरीब मने इनके ऊपर। लेकिन बेटा सुन लो, हमने राम राज के मुख से नहीं सुना, तेरी क्या औकात है साले मेरे सामने। कोई बात नहीं लंबरदार बाबू साहब, ना हमारे पास पैसा है ना कोई गहना ही है, वैसे हमारे मुंह से निकल गया था। अच्छा। मेरी गलती को माफ कीजिए। ठीक है देखो शांति, हमने माना कि तुम्हारे पास ऐसी कोई जेवरात नहीं, नहीं नहीं कि वो गिरु के निमित्त हमारे पास रख दो। हाँ लेकिन एक बात बताओ, ये कौन है? बेटी मेरी, हमारी बिटिया है। तोहरे लौंडिया है? हाँ हाँ। क्या नाम है इसका? सरला नाम है, सरला मेरी बेटी। ओहो, नाम तो लौंडिया का बड़ा चुन के रखा है। अरे बाबू साहब, इसकी हमारी बेटी बहुत प्यारी है। हाँ बहुत सीधी है। इसकी शादी कर दिया? अरे लंबरदार, आप तो ऐसी बात कहते हैं जान जान के ना समझ बन रहे हैं। हम गरीब के पास एक पैसा तो है नहीं, शादी कहाँ से करूँगी? अगर शादी करूँगी तो तुम्हारी ही मदद लेना पड़ेगा। ठीक है कहा था, रुपया पैसा होते तो शादी कर देती, नहीं हमारा रुपया दे देती। हाँ तो एक काम करो शांति, उसी कर्ज के निमित्त में अपनी लौंडिया को मेरी हवेली भेज दे। जब तुम्हारे पास रुपया हो जाए तो मेरा रुपया दे जाना, अपनी लौंडिया को ले। तेरे हक में तो देख अच्छा होगा नहीं, या तो मर जाऊंगा या तो मारू तुझे, तो मैं एक से जाए। देखा ना लौंडिया का नाम सुनते यार बबूला हो गया। हम लौंडिया ले जाने नहीं आए हैं, रुपया लेने आए हैं। एक महीने की मोहलत चाहिए? नहीं, अब तुम्हें एक मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। रुपया मिलेगा तो ले जाऊंगा, रुपया नहीं मिला तो लौंडिया तो जाए। अगर तेरी जुबान से मेरी बहन के लिए गलत शब्द निकला तो सौगंध है बाबा की, तेरी जुबान को काट दूंगा। और मेरी बहन के तरफ अगर तेरे कदम पहुंचे तो बाबा की सौगंध तेरे कदम काट दूंगा। ये औकात, ये हिम्मत तेरी? तो बेटे हम इतना बुजदिल भी नहीं है, कम से कम इतनी उम्र में मेरी तरफ कोई कड़ी नजर उठाकर नहीं देखा। कम से कम तुम कोई पैदा तो हुआ हमसे जुबान लड़ाने वाला। बेटे हम तुम्हारी बहादुरी का कद्र करते हैं, और आज तुमने ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह को ललकारा है, तो हम तुम्हें बराबर का मौका देंगे, और हम देखेंगे कि तुम्हारे इन भुजाओं में, तुम्हारे इस सीने में कितनी हिम्मत। ठाकुर ये गरीबों की बस्ती है, ऐसा ना हो कि मेरे हाथ तुम पर उठ जाए तो इन गरीबों की बस्ती में तुम्हारी औकात कम हो जाएगी, इसलिए कि तुम यहां से चले जाओ। जाऊंगा,
लेकिन लौंडिया को अगर मेरी बहन की जुबान मेरी बहन के लिए तुम्हारी जुबान से गलत शब्द निकला तो कसम है इस माँ की जबान को खींच कर जबान काट दूंगा। ठीक है कहा था। मान लो इस लौंडिया को ले गए, लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे ठाकुर लौंडिया को जबरदस्ती उठा लाए। और वो भी किसकी लौंडिया है? हरजन की। आ? यही कहेंगे ये ससुर हरजन यहाँ ठाकुर है कहा हो आ? क्यों भाई? अरे कहना तो कोई परवाह नहीं है मुझे, लेकिन इतने मुझे ललकारा है तो आज कुछ ना कुछ हम करके दिखाएंगे। ए! एक तलवार लेके आओ ठाकुर। अगर सरला यहाँ से इस झोपड़ी सी जाएगी सरला तो अपने भाई की लाश के ऊपर से गुजर के जल जाएगी, और नहीं तो दुनिया की कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो मेरी बहन को यहाँ से लेकर चला। सही बात भैया। हाँ श्रीमान, ये भाई साहब हमारे आ गए। हेलो, और ये आ गए हमारे आगे विनोद बाबा जी, ग्राम जी हिवाक रहने वाले हैं। ये बाबा जी की तरफ से इसी सीन पर देते हो 1000 रुपए पुरस्कार हम और हमारे पार्टी के भैया को लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। तैयार हो जा। आ गए हमारे भैया सीवा ठेकेदार भैया जी, ये दे रहे हैं 50 रुपए का पुरस्कार फिर, और ये 40 रुपए हमारी कंपनी के लिए, 10 रुपए हमारे लिए। कह रहे हैं अब यह शासन ठकुरन वाला गवाह, अब ये के चक्कर बना रहे हो, अब हमारे सीवा ठेकेदार भैया समझाइए तुम। हेलो हेलो हेलो, ये गए हमारे आदरणीय रामराज भैया। कहा तहां रुपया चाहे जो ले हो, हिया चले सिर्फ चौरहन पे तो सिर्फ यदवन के चले। मेरे सामने चिल्लायो ना है तुहा ठकुरे तुहरे गांव घुसियर दिया। आज तुझे पटक पटक के मारूंगा। कौन किसको पटक के मारेगा, कौन किसको पटक के मारेगा, ये तो वक्त बताएगा साले गीदड़। हम गीदड़ हैं हो? चल तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ। देखता हूँ कौन किसको पटक के मारता है। आओ। इनसे पूछो लंगोट पहिर के आवा है कि नहीं।
ना ही एक्को दाई अगर उठाए के पटक देबो तो ये चिलिक मरी है। श्रीमान ये हमारे चाचा जी आ गए, पहला चाचा जी यानी ग्राम रामन्ना के रहने वाले हैं। कह रहे हैं परेशान ना हो लंबरदार, तीन छल्ला का लाठी लिए हैं दादा, होशो हवास में रहे हो, रावणा ग्राम सभा में हो जीवा मा, धन्यवाद। उनको समझा दो कि चरपैया हमारी इधर की गुजरती अगर कहीं रोड पे मिल गए ना, ऐसे ठोका ठोकूंगा ना तो पता नहीं चलेगी उन्हें। रामराज भैया कहा था लंबरदार, कहा था ले जाओ 50 के नोट से दे दियो जाए, 10 रुपए का ताए कहा था इनका और 10 रुपए अपने लक्ष्य लगा लिए हैं। अच्छा कहीं एक ठो हगीस ले लिए हैं। अब ताली बजाओ, बजाओ ताली। हेलो कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने ताली बजाया या शोर मचाया, बोला तो बहुत सुन लियो तुम्हारा मौत नक्शी हान तो हान। इस साले चिरानू का हुआ है वही हाल उसका होगा।
देखा ना, हमने रुपया मांग रहा था, ये साला ऊंची आवाज में हमसे बोला। इसकी बहन गई, चली गई, अब देखो क्या करता हूं। लेकिन जाते जाते ये कह के जा रहा हूं, सुन लो रामनगर के वासियों, दारू बनाओ वाले पास ही तुम हो, सुन लियो जुनिहो वाले, अगर किसी ने साले टुकाची की मदद किया या इन्हें खाना पानी दिया, सुन लियो अम्मा होरी मौत नक्शियाने, अगर मुझे खबर पहुंच गई किन लोगों ने इनकी मदद किया है, तो कसम भगवान की उसी चाकू से फाड़ के सबको नरेगा ताल बना दूंगा। हाँ हम चले, सुन लो, अगर किसी के दिल में इनके लिए हमदर्दी हो तो कर देना इनकी मदद। हाँ ये आएंगे हमारे भैया, कर है तो है ये हो राम। अरे रुको हो, बड़े लड़ाऊ हो। मैं कौन हूँ रे? नहीं हम, मैं कौन? क्या बोला तूने, बड़े लड़ाऊ का रे? नहीं हमको तू पासी चमार समझा का रे? लम्बरदार हमको नौटंकी का ठाकुर समझा का रे? नहीं लम्बरदार कर गलती नहीं करना, पैर की जूती पैर में सर पे नहीं। अरे लम्बरदार नहीं, हम बहुत हरामी चीज हूँ, समझ गया? सुना आप लोगों ने, कोई इनकी मदद नहीं करना साले चिलानुओं की। हेलो, हे बजरंगबली बाबा, हे शंकर भगवान बाबा, यह का सिलवा बन के भक्ष खाओ सारे का। आगे हमारे रामराज भैया कहा था, यहाँ का सारे का मौका पाए के जवन मार मारे कि हगिया का मोती मोती मार आए। और कहा था चली तो हिया सिर्फ ये दवन के चली चौराहा पर इनके ठकुरऊ के इनके ठकुरई गांव में घुसी अर दे। किसने कहा है? फिर किसने कहा? रामराज आही कहा है? रामराज, हमने रामराज के मुख से नहीं सुना, तेरी क्यों हिम्मत? पैसा देता हूँ पहले। अच्छा पैसा दे और कहे कुएं में कूद जा तो कूद जाएगा। हम कूद जाए हो, पैसे को लालची है हम कूद के नीचे का चाबे मेरी बेइज्जती करेगा। हे भैया, आ भैया, हे भैया, अरे का सवेरे तू सुबह जायो ना, जाय नोर भैया के बदला जरूर लिए का है। का सारे पाए जब ना तो हम पब्लिक हलाए दिए, छोटा ईटा घुमस मारे। माँ सरला कहाँ है? माँ बेटा सरला को छोटे ठाकुर उठा के ले गया। सरला नहीं मेरी बहन, तू अपने भैया को छोड़ कर नहीं जा सकती। सरला आज हम अपनी बहन के लिए इन अपनी माता बहनों से अपने भाइयों से
और अपने बैठे पिता समानों से अपनी बहन के लिए भीख मांगूंगा और देखता हूं कि कौन बहन और कौन माँ और कौन भाई और कौन बाप मुझे भीख देता है और कौन कहता कि जा बेटा अपनी बहन को ठाकुर के हवेली से छुड़ा कर ला। बेटा वक्त का हर से गुलाम होता है, आज भगवान शायद मेरी परीक्षा दे रहा है। उधर ठाकुर बेटी को उठा कर ले गया और इधर तुम्हारे तुमको कितना मारा उसने, एक माँ के सामने बेटे के शरीर की धज्जी उड़ा दी जाए, बताओ कितने बदनसीब माँ हो सकती है बेटा, कितनी बदनसीब माँ हो सकती है। क्या औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो।